कसरावत की खबर की ओर। शुक्रवार को कसरावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रोगी कल्याण समिति के बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक सचिन यादव ने की। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए लोगों को टेलीफोन से सूचना दी जाए। उन्होंने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाने के लिए प्रेरित कर उन्हें कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट और 10 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि विधायक सचिन यादव ने अधिकारियों को टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अस्पताल के पैथोलॉजी लैब के लिए कंप्यूटर प्रिंटर और सॉफ्टवेयर लगाकर मरीजों को प्रिंटेड रिपोर्ट सहित अन्य सुविधाएं देने की बात भी कही। सचिन यादव ने विधायक निधि से स्वीकृत एक्सरे मशीन और सीआर सिस्टम का लोकार्पण किया। एक्सरे विभाग में ऐसी कार्पेट मेट व प्रिंटिंग कार्य व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को अब रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अब तुरंत रिपोर्ट मिल सकेगी। शासन द्वारा तय 28 प्रकार की निःशुल्क की जाने वाली जांचों को छोड़कर पेश जांचों का न्यूनतम दर निर्धारित किए गए। उनकी जांच भी कम दरों पर की जाएगी। डिजिटल एक्सरे का शुल्क भी निर्धारित किया गया। लैब में अब हर प्रकार की जांच की जा सकेगी। 50 रुपए में होगी सीबीसी की जांच। बाजारों में 150 से 200 रुपए में होने वाली सीबीसी की जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 रुपए में होगी। इसी तरह 350 रुपए की सीआरपी की जांच 150 रुपए में हो सकेगी। 600 रुपए में होने वाली डीएमएल की जांच 300 रुपए, 500 रुपए में होने वाली एचपीएसी की जांच 200 रुपए, 350 रुपए में होने वाली आरए की जांच 100 रुपए और 300 रुपए में होने वाला डिजिटल एक्सरे 300 रुपए में किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट में बूस्टर लगाने के निर्देश भी दिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों को भी भरा जा सकेगा। अस्पताल की भूमि पर दुकानों के निर्माण की स्वीकृति। बैठक में विधायक सचिन यादव ने पोषण पुनर्वास केंद्र एवं गायत्री मेडिकल स्टोर के मध्य रिक्त अस्पताल की भूमि पर दुकानों के निर्माण की स्वीकृति दी। मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल के खिड़कियों में मच्छरोधी जाली लगवाने व मरम्मत कार्य कराने, नवीन अस्पताल से वैक्सीनेशन कक्ष तक पहुंच मार्ग पर गिट्टी चूरी डलवाने की स्वीकृति भी दी। अस्पताल के लिए पूर्व में प्रस्तावित फर्नीचर क्रय करने एवं एल्यूमिनियम सेंक्शन का कार्य कराने की बात भी कही। का दुकानदारों से बकाया किराया, सोलर पैनल का मरम्मत कार्य, गार्डन सौंदर्यीकरण सहित एक्सरे विभाग में नवीन विद्युत कनेक्शन लगाने के भी निर्देश दिए। सचिन यादव ने बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरावा और मगरखेड़ी में रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु शासन को पत्र लिखने के साथ ही एनएचएम को भी स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एमडी मेडिसिन के पदों को भरने हेतु भी पत्र लिखने के निर्देश दिए। कसरावत से निशांत की रिपोर्ट। लेकिन अभी भी लोग आती और कुछ निगाहें उठी भी है कि और क्या सौगात मिलने वाली है, और काफी समय से महिला डॉक्टर्स की भी बात चल रही थी, तो आज की मीटिंग से क्या निकल गया, क्या सौगात मिलेगी? तो देखिए, हम लोग हमारे और तमाम साथी हम लोग ये कोशिश है, प्रयास है कि हमारे कसरावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल पाए। हमने आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश की पहली ऐसी तहसील है, पहला ऐसा सीएससी सेंटर है जहां पर 10 बेडेड आईसीयू का निर्माण हमारी सभी साथियों ने के प्रयासों से हम लोगों ने मिलकर के करा है। पूरे जिले में सबसे पहले अगर ऑक्सीजन प्लांट अगर कहीं स्थापित करने का काम किया गया था तो वो कसरावत विधानसभा में किया गया। तो ये हमारी कोशिश और ये प्रयास लगातार हमारे बने हुए हैं, और आज हम तमाम साथी जो है हमारा एक डिजिटल एक्सरे मशीन हम सब साथियों ने तय किया था कि हमारे कसरावत में यहाँ पर होना चाहिए, तो आज डिजिटल एक्सरे मशीन का हम लोग आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ में एक सीआर मशीन उसमें लगती है जिसमें तत्काल जो है डिजिटल एक्सरे की रिपोर्ट जो है हमारे जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनको मिल सके, और तमाम तरह की जाँचों की व्यवस्थाएँ हमने यहाँ पर स्थापित करी, चाहे वो सीबीसी हो, चाहे डी डाइमर हो, चाहे टोटल ब्लड काउंट हो, इस तरह की तमाम जो है सुविधाएं जो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को उपलब्ध होती है, आज हम हमारे कसरावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वो सारी सुविधाएं जो है हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और साथ ही साथ कैसे और हमारे इस हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को और हम लोग कैसे विस्तार कर सकें, अभी हम लोगों ने जो हमारा कसरावत का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सिविल हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमने राज्य शासन को एक प्रस्ताव बना करके भेजा है, और इस तरह की तमाम जो है प्रयास हमारे कसरावत के
लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले, ये हमारे तमाम सभी साथियों की कोशिशों में प्रयास रहता है। सर, इसमें महिला